पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच 7 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 22 सितंबर यानी कि आज ही के दिन खेला जाएगा। आपको बता दें, इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी काफ़ी फन करते नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने क्रिकेट के अलावा बाकी सभी खेलों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें, इसी दौरान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को उनके साथी खिलाड़ियों ने खूब छेड़ा और उनकी टांग खिंचाई करते नजर आए। बता दें कि T20 मुकाबले से पहले पाकिस्तानी कप्तान और बाकी खिलाड़ी टेनिस कोर्ट में दिखाई दिए, जहां पर खिलाड़ियों ने टेनिस में अपना हाथ साफ किया। लेकिन बाबर आजम, जो क्रिकेट के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, टेनिस में उनका खेल देखने के बाद शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी के अलावा आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, जिनका क्रिकेट में तो स्किल ज़बरदस्त है, लेकिन टेनिस में उनका स्किल एक औसतम दर्जे का भी नहीं है। बस फिर क्या था, बाबर आजम को टेनिस खेलते देखना अपने आप में ही हंसी का पात्र बन गया। उनके साथी खिलाड़ी जूनियर मोहम्मद हसनैन थे, जो लगातार कप्तान को इस तरह के शॉट्स मार रहे थे, जिसके बाद कप्तान साहब एक भी शॉट ठीक से नहीं लगा पाए। इतना ही नहीं, बल्कि एम्पायर की भूमिका निभा रहे हारिस राउफ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साथ ही साथ युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह भी अपने कप्तान को टेनिस देखता देख हंसी के मारे लोटपोट होते नजर आए। बाबर आजम क्रिकेट में तो यूं तो सभी के छक्के छुड़ाते हैं, लेकिन टेनिस कोर्ट पर चाहे सिंगल्स हो या फिर डबल्स, बाबर आजम की खुद की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि सिर्फ टेनिस ही नहीं, बल्कि टेबल टेनिस और इनसाइड गोल्फ खेलते भी पाकिस्तानी खिलाड़ी देखे गए हैं। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 20 सितंबर को खेला गया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान को अपने ही घर में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 22 सितंबर को खेले जाने वाले मुकाबले में पाकिस्तान 1-1 की बराबरी करना चाहेगी, क्योंकि 2-0 से पीछे होने के बाद टीम इतनी आसानी से वापसी नहीं कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।